इंडियन परफ्यूम ब्रांड टाइटन स्किन के दो वुमेन प्रोडक्ट के बारे में आज बात करूंगा। पहला जो परफ्यूम है टाइटन स्किन प्रिस्टीन, दूसरा है न्यूड। ये दोनों परफ्यूम के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द इंट्रो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रैगन। माय नेम इज शुभजीत और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इंडियन परफ्यूम ब्रांड स्किन जो कि टाइटन की तरफ से आता है, उसका दो परफ्यूम का रिव्यू करूंगा ये वीडियो में। दो परफ्यूम है, पहला है प्रिस्टीन, दूसरा है न्यूड। फेस ऑफ करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए क्योंकि एंड में मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ फ्रैगन की तरफ से विनर कौन सा है। और अगर आपको ऐसा वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं प्रिस्टीन और न्यूड में क्या है। अच्छा, तो टाइटन स्किन जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है। इंडियन ब्रांड के हिसाब से मैं प्राउड फील करता हूँ कि सच में इंडिया में काफ़ी अच्छा क्वालिटी का परफ्यूम लेके आता है और काफ़ी सस्ते में लेके आता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेन का जो इसका परफ्यूम सीरीज है उसके बारे में मैं रिव्यू करूंगा मेरे चैनल पर, वो भी जल्दी लाऊंगा। और फीमेल परफ्यूम में से अमालफील ब्लू का जो रिव्यू है मैं वो कर चुका हूँ, जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। तो स्किन का ये जो दो परफ्यूम है मेरे पास वो है स्किन का न्यूड एंड प्रिस्टीन। देखिए बॉक्स मेरे पास है, 20 ml का बॉक्स मैंने खरीदा हुआ था। दिस वाज जस्ट फॉर गिफ्ट पर्पस। और इसके पीछे आप देखेंगे बॉक्स के पीछे थोड़ा सा परफ्यूम के बारे में लिखा गया है, थोड़ा सा नोट्स के बारे में बताया गया है और इसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा समझाया गया है। और ये जो मैंने बॉक्स चेक करके देखा, ये सारे जो मैन्युफैक्चरर होता है वो इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में होता है और यहाँ पे लिखा जाता है दिस इज क्राफ्टेड इन फ्रांस। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये फ्रांस में इसको क्राफ्ट किया गया या जो भी किया गया, मुझे तो फ़र्क पड़ता है भाई माइलेज कितना देता है और गाड़ी का क्वालिटी जो है वो अच्छा होनी चाहिए। तो परफ्यूम का क्वालिटी बिल्कुल अच्छा है और माइलेज मतलब परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा दे देता है ये परफ्यूम। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रिस्टीन का। बॉटल जो देखिए दोस्तों, बॉटल अच्छा दिखने वाला है। ये जो स्क्रीन का प्रिस्टीन जो है वो फ्रॉस्टेड ग्लास में आता है और ये जो आता है ये ग्लॉसी फिनिश में आता है। इसके ऊपर कलर्स है, जूस का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है लेकिन बॉटल के कलर के ऊपर थोड़ा सा इसका जूस का कलर वेरी होता है। तो दैट्स इट, वेरी सिंपल लुकिंग बॉटल है। अच्छा सा कैप है इसमें, प्लास्टिक इसके अंदर दिया गया है ताकि इसके अंदर का जो जूस जो है वो लीक ना हो और इसका जो एवेपोरेशन भी कम हो। तो गुड जूस क्वालिटी इज ऑल्सो गुड एंड ऑल्सो द स्प्रेयर इज गुड। ओके, तो यहाँ पे प्रिस्टीन जो है दोस्तों वो मैं एक्चुअली मैं मेरे स्किन के ऊपर टेस्ट करके देखा हूँ और जो न्यूड जो है वो मैंने अपने स्किन के ऊपर रिस्क नहीं लिया बिकॉज दिस इज दैट इज टू फेमिनिन। एक्चुअली बहुत ही अच्छा ओपनिंग है दोस्तों। मतलब मैं अगर आपको किसी का एग्जांपल देने का कोशिश करूंगा या फिर किसका क्लोन है ऐसा बताने की कोशिश करूंगा तो आई विल फेल बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसा मैंने स्मेल किया है कभी। लेकिन हाँ, इसका जो स्मेल है दोस्तों टाइटन का रॉ जो इसका वर्जन है, जो मेल वर्जन है उसका ही फीमेल वर्जन है मुझे लगता है क्योंकि स्मेल काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसका जो बॉटल का कलर एंड प्रेजेंटेशन भी काफ़ी सिमिलर है और इसका स्मेल जो है, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो स्टार्ट होता है ना वो रॉ के जैसा ही वाटर मेलनी एक जूसी सिट्रसी ओपनिंग के साथ आता है। तो इसका स्मेल कैरेक्टर जो है वो है वाटरी ओपनिंग के साथ आता है, उसके साथ वुड पचोली एंड मस्क के साथ खत्म होता है। थोड़ा सा व्हाइट फ्लोरल टच भी इसमें दिया गया है, फ्रेश फ्रूटी कैरेक्टर मिलेगा लेकिन वो स्वीट फ्रूटी नहीं है, येलो फ्रूट्स नहीं है, ये वाटरी जो फ्रूट्स होता है जैसे कि वाटरमेलन हो गया या फिर लेमनी जो जूसी फ्लेवर है ना, मतलब कैरेक्टर है ना, वैसा आपको याद दिलाएगा। ये परफ्यूम कौन यूज कर सकता है? अगर आप एक टीनेजर हो, अगर आप ऑफिस के लिए फ्रेग्रेंस चाहते हो तब बिल्कुल ये यूज कर सकते हो। अगर आपको ऑफिस के लिए एक परफ्यूम चाहिए आप आग बंद करके ये परफ्यूम ले सकते हो इफ यू आर ए वुमन। तो इसका जो टाइम है मैं बोलूंगा डे टाइम के लिए सुपर है, समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट परफ्यूम है, इंडियन वेदर कंडीशन के लिए काफी अच्छा परफ्यूम बना है टाइटन के स्किन ने। प्राइस जो है दोस्तों आई थिंक स्किन के ऑफिशियल वेबसाइट में 595 के ऊपर आता है। आप स्टोर में चले जाओ या फिर ऑनलाइन अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो मुझे लगता है 500 rupees के करीब आपको मिल जाएगा। मैं एक्चुअली काफी अच्छा डील में उठाया था, दोनों परफ्यूम मुझे ऑलमोस्ट 450 rupees में आया था ईच, तो दैट वॉज अ गुड डील। तो मुझे लगता है कि 20 ml के लिए 500 rupees अगर आप इसको स्पेंड करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा परफ्यूम्स मिल जाएगा और वो भी एक इंडियन ब्रांड से, तो काफ़ी अच्छी बात है। प्रिस्टीन का जो परफॉर्मेंस अगर मैं यहाँ पे बताऊँ दोस्तों, प्रिस्टीन प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा नहीं करता है, 1.5 घंटा मैक्सिमम प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद स्किन सेंटी रहता है, लेकिन इसका जो लॉन्जिविटी है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, 4.5 से 5 घंटे तक आपको मिल जाएगा आपके स्किन के ऊपर और आपके क्लोथ के ऊपर, थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो दैट इज वेरी गुड फॉर ए परफ्यूम विथ दिस प्राइस। तो परफॉर्मेंस के ऊपर मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, अच्छा है।
तो दूसरा जो परफ्यूम है इस लिस्ट में वो है न्यूड। और न्यूड जो है वो फिर से मैंने करीब करीब 4.5-5 घंटे के ऊपर एक ड्राई डाउन टेस्ट करके रखा है यहाँ पे स्ट्रिप में, एंड फिर से और इस स्ट्रिप में मैं आपके लिए फ्रेश अप्लाई करके बता दूंगा ये शुरू में कैसा स्मेल करता है। न्यूड का स्टार्टिंग का स्मेल आपको बताता हूं कैसा है। इसके अंदर लीची एंड रैसबेरी का नोट यूज किया गया है जो कि मैं उसके वेबसाइट में जाके देखा है, एंड रियली आई गेट दैट बेरी काइंड ऑफ फील और थोड़ा सा लीची का जूसीनेस जो है वो इसमें आता है। बट इसमें जो प्रोमिनेंट है दोस्तों इसका जो हर्ट नोट है, इसमें जो रोज है, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग का जूसीनेस है ना वो बहुत ही जल्दी वो ड्राई कैरेक्टर लेता है और ड्राई रोजी वुडी एक कैरेक्टर ले लेता है। इसमें रोज एंड सैंडलवुड का एक किलर कॉम्बिनेशन है जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रोज एंड वुड का वो कॉम्बिनेशन साथ में थोड़ा सा टोंकबीन के स्वीटनेस, थोड़ा सा मस्क की हिंट जो है वो इसमें है। जो रोज है दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत एक फेमिनिन ड्राई रोज है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप रोज एंड सैंडलवुड सोच के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्टर्न टाइप का है, नहीं है वैसा, अरेबिक नहीं है, इसका जो स्मेल है वो काफ़ी मॉडर्न है। मैं बोलूँगा ये अपटाउन एक फ्रेंच परफ्यूम जैसा ही स्मेल करता है, ये काफ़ी मॉडर्न टेक है मैं बोलूँगा एक ब्यूटीफुल यू नो फ्लोरल रोजी नोट्स के ऊपर। जी हाँ, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन इसका क्वालिटी है। बट इसमें जो है ओवरऑल आपको रोज ही मिलने वाला है, ठीक है, सैंडलवुड रोज वैसे ही आपको वाइब मिलेगा। स्टार्टिंग का जो जूसीनेस है वो मैक्सिमम आपको 10-15 मिनट आपको मिलने वाला है, उसके बाद ये रोज और रोज रह जाता है, ठीक है। मेरे तो नाक में सिर्फ रोज मिलता है जो कि मुझे पसंद आता है। सो अगर इसका एज ग्रुप बताओ तो अगर आप 20 के ऊपर वाले कोई लड़की हो तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। मैं बोलूँगा थोड़ा मच्योर वुमेन जो है वो इसको अच्छे से कैरी कर सकता है। अगर इसका मैं ओकेजन भी बताऊँ तो ये ऑफिस के लिए उतना खास नहीं है। अगर आपको एक सिग्नेचर सेंट के हिसाब से यूज़ करना है ऑफिस में तो आप कम स्प्रे करो क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो किसी किसी के नाक में अगर ज़्यादा रोज आएगा आपके ऑफिस में तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ गुड थिंग इन अ ऑफिस। रियल जो ओकेजन है वो है मुझे लगता है डेटिंग हो सकता है, अगर आप एक फैमिली फंक्शन में जा रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है, यू नो नाइट टाइम ओकेजन के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो ऑफिस के लिए उतना अच्छा नहीं, लेकिन ऑफिस छोड़ के बाकी सारे जगह में ये चल सकता है। समर टाइम में अगर आप इसको इवनिंग में वेयर कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपके ऊपर। ये मैंने अपने मम्मी को गिफ्ट किया हुआ है और मेरे मम्मी जब इसको वेयर करके आगे चलती है तो पीछे बहुत ही एक अच्छा सेंट्रल लेके आता है। ये सबसे अच्छी बात जो है इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको एक बेहतरीन रोज़ परफ्यूम लेना है जो कि रोज़ परफ्यूम्स के ऊपर एक मॉडर्न टेक है तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हो। अगर आपको एक फ्रेंच परफ्यूम क्वालिटी इंडिया में चाहिए, इंडियन परफ्यूम में से चाहिए, तो न्यूड इज़ एन अल्टीमेट ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है दोस्तों। दूसरा जो अच्छी बात है इसका प्रोजेक्शन एंड इसका लास्टिंग पावर, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है दोस्तों। मैं बता सकता हूँ, ये ड्राई डाउन में टेस्ट किया है पहले भी, 6+ आवर्स आपके स्किन पे रह जाएगा ये फ्रेग्रेंस। बिलीव कीजिए दिस इज एन अल्टीमेट लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस और इसका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत दूर तक मिलता है, सॉलिड 2 आवर्स का प्रोजेक्शन देता है आपके आसपास में, यू नो अराउंड 2 फीट के ऊपर ये प्रोजेक्ट करता है। अगर आपके सामने फैन है, अगर कोई आपके पीछे खड़े हो तो बहुत ही अच्छे से ये उस तक पहुंच जाएगा ये फ्रेग्रेंस। तो अभी बात कर लेते हैं ये दोनों में से विनर कौन है। अगर आप मुझे पूछेंगे, आपको शायद अभी तक पता चल ही गया होगा कि मुझे लगता है इसमें से विनर है स्किन का न्यूड। इसका पीछे रीज़न यही है दोस्तों, इसका क्वालिटी जो है मुझे इससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा है, लेकिन सबसे बेटर जो चीज़ है प्रिस्टीन से वो है इसका लॉन्ग लास्टिंग जो इसका कैरेक्टर है, इसका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, इससे काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, ये बहुत अच्छा एक ओजोनिक वॉटरी फ्रेश परफ्यूम है। तो अगर आप एक समर के लिए फ्रेग्रेंस चाहते हो, अगर एक ऑफिस के लिए सेंट चाहते हो, बिल्कुल ब्लाइंड बाई कर सकते हो इस चीज़ को, तो उस हिसाब से ये बहुत बेहतरीन है। बट मुझे लगता है कि क्वालिटी के मामले में ये थोड़ा सा पीछे रख देता है प्रिस्टीन को। तो न्यूड इज द अल्टीमेट विनर बिटवीन दिस टू। ओके, सो दैट इज इट अबाउट टुडेज़ फ्रेग्रेंस रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव यू शोन इन दिस चैनल। मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा और अच्छा वीडियो लेके आने के लिए। तब तक के लिए महकते रहिए, बहुत अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, टाटा।